ये क्या मजाक है टिम्बकटू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मास्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैट मोना, अटैक, अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। मिस्टर मास्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ये दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। ये क्या कर रहे हो? ये लो। अरे बच्चों, हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। भागो भागो बच्चों, शू, भागो भागो, खबरदार एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। कोई तो तुम्हें बदनाम कर रहा है, कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी, मैं उसका पता लगाते ही रहूंगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो, एकदम मेरे जैसा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुको रुको। जेनी छूट गए, जेनी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है, सब घर जाओ। रुक जाओ, सब रुक जाओ। मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। वीर, इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था। मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय, सॉरी। इट्स ओके। Diving suit on.
छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ओ, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड। ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? वो स्कूल में है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिनविन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम, निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटो को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है, हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है, इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है। एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। वीर, तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है, उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें एक घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो, ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं।
ताला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं चिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं, वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुँचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। लेकिन कैसे? इमली चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट। वीर, तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। वीर, तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू, आखिर में हम मिल गए।
वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। चिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ। भी कितने सुंदर हैं। सब सुंदर हैं। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए। चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। हुला तीरू भाला, हुला हुला हर कोई हाला। हुला हुला तीरू भाला। इमली चुलबुल खतरे में है। उसके साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है। दोनों को बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। छोड़ दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला, हुला, ले जाओ इसे। आज हदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला न्यूकी न्यूकी, इधर इधर से चलो। वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? ओ, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके, हुला 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 तीरु भाला। तीरु,
फूल चुराने की हिम्मत की है। आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियाँ लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरू बूरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गाँव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे। किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। डिसेंगेज, डिसेंगेज, रोबोटिक चिप टूटने का खतरा, डिसेंगेज। खुशी का दिन है वीर, तुम बहुत बहादुर हो। तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।